दोस्तों बिग बॉस के घर में हो रहा है एक और नया कैप्टेंसी टास्क, और इस टास्क में अंकिता लोखंडे ने ऐसी चाल चली है कि ऐश्वर्या और नील भी देखते ही रह गए। जी हाँ, बिग बॉस का एक और नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कि घर में बहुत सारे एप्पल ट्री लगाए गए हैं और कंटेस्टेंट्स को दो हिस्सों में बांटे गए हैं, टीम ए और टीम बी। और बिग बॉस को तो पता ही है भाई किसको किस टीम में डालना है। जहाँ उन्होंने ईशा, समर्थ, अंकिता, विकी को एक टीम में डाला हुआ है, तो वहीं दूसरे टीम में नील, ऐश्वर्या, समर्थ, अरुण सब एक ही टीम में हैं। जहाँ संचालक बने हैं मुनव्वर फारूकी, और इन लोगों को चुराना है पेड़ों से एप्पल और अपने अपने स्टिकर लगाने हैं, और फिर एक दूसरे की टीम से ही एक एक कंटेस्टेंट्स इंस्पेक्शन करेगा। वेल, इसके बाद क्या था, अंकिता की टीम से अंकिता और नील की टीम से ऐश्वर्या दोनों करते हैं इंस्पेक्शन एक दूसरे के एप्पल्स की। जिसके बाद क्या होता, पहले इंस्पेक्शन करती है ऐश्वर्या, और फिर क्या था भाई, ऐश्वर्या को जो भी एप्पल अच्छे नहीं लगते हैं वो उनको बाहर कर देती है। और फिर जब आती है अंकिता की बारी, तो उनको उनके हस्बैंड यानी कि विकी भैया बहुत सारी चालें सिखा के भेजते हैं, जिसके बाद वो क्या करती है कि सारे एप्पल्स को ही मोस्टली रिजेक्ट कर देती है, जो ज़्यादातर ठीक होते हैं उनको भी और जो ख़राब होते हैं उनको भी, जिसके बाद ज़्यादा एप्पल रह जाते हैं अंकिता की टीम के पास। और एंड में मुनव्वर को यही फैसला सुनाना पड़ता है कि अंकिता की टीम जीती है। वेल, इसके बाद क्या था, अंकिता के साथ सबका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जहाँ अभिषेक ने अंकिता को कहा कि आप कहीं तो फेयर हो जाइए, कहीं तो सच बोलिए, हर जगह तो आप झूठ ही बोलती है। लेकिन लगता है भाई अंकिता ने वो कहावत सीरियस ले ली कि झूठ बोलकर अगर किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ ही क्या। और ये झूठ सामने वाली टीम यानी कि नील, ऐश्वर्य और अभिषेक की टीम को तो बहुत महंगा पड़ा है, तो उनको तो असर पड़ना ही था। वेल, आपको बता दें कि इसके बाद अंकिता की टीम से किसी को कैप्टन बनना था, जिसमें कि दावेदारी में अंकिता और विकी दोनों ने ही हाथ उठाया था, सबने ही उठाया था ऑलमोस्ट, बट अंकिता विकी के लिए कोई राजी नहीं हुए, तो एंड में ईशा घर की कैप्टन बनी है। वेल, आपका इन सब चीज़ों को लेकर क्या है कहना, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।